तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी प्लेन कुर्ती को डिजाइनर कुर्ती कैसे बनाएं। तो अभी आपको बताती हूँ उसके लिए आपको सामग्री क्या चाहिए। देखिए ये नलकी है, तो जैसे ये खाली हो जाती है, तो जैसे ये मेरी नलकी खाली हो गई है, तो अभी आपको बताऊंगी इसका किस तरह से मोल्ड बनाएं और पेंट की वजह से कैसे डिजाइनर कुर्ती बनाएं। तो देखिए जैसे आपकी ये नलकी है इस तरह से है, तो अभी हम क्या करेंगे इसको इस तरह से पिचका देंगे। अब पिचकाने के बाद इसमें से हम 5 पीस कट करेंगे। तो इस तरह के 4-5 पीस हम बराबर साइज के कट कर लेंगे। देखिए मैंने 5 पीस कट कर लिए हैं, तो ये पीस इस तरह से हैं, तो हम इनको हल्का सा इस तरह से सेक दे देंगे, चौड़ा देंगे सभी पीसों को। अभी इन सभी को अभी क्या करते हैं, ये फेविक्विक जो लिया है हमने, इससे इन सबको एक शेप बनाएंगे इनकी। देखिए इस तरह से इस तरह की शेप बन जाने के बाद फेविक्विक ले और इनको हम सबको चिपका देंगे, जिससे क्या है हमारा ये मोल्ड बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए एक मोल्ड मैंने तैयार कर लिया है, तो अभी देखिए फेविक्विक मैंने से चिपका दिया। तो अभी आपको बताऊंगी फैब्रिक कलर से और मोल्ड की सहायता से किस तरह से डिजाइन करें। आप अपने साइज के अनुसार कुर्ती कट कर लें, मैंने सैंपल के तौर पर ये कुर्ती कट कर ली है, तो अभी आपको बताऊंगी किस तरह से ड्रॉ करना है। तो देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड का कॉर्नर है, तो यहाँ से लेके इस तरह से एक डिजाइन देंगे। तो देखिए मैं आगे तिरछी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। मोल्ड है ये ब्रश से कलर लगा रही हूँ उसके चारों तरफ, और जो बीच में वो प्लेन ही रहेगा, खाली रहेगा बॉक्स। फ्लावर हमने बना दिए, अब यहाँ यहाँ पे हम लीफ ड्रॉ कर लेते हैं और कुछ लीफ बनाएंगे कुछ इस तरह से ही खाली बॉक्स जैसे बना देंगे। तो देखिए जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है इसमें हम ब्लैक कलर कर देंगे, और जो हमारी लीफ है उसमें हम ग्रीन कलर करेंगे।
तो आप इस आसान तरीके से प्लेन कुर्ती को नलकी और पेंट की मदद से डिजाइनर कुर्ती बना सकते हैं।